हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े मज़े से रह रहे होंगे। यस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त से पोटैटो रेसिपी। ठीक है, ये जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं तो आप लोगों ने तो उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए जनाब वेरी मज़े की और डिलीशियस और क्विक इजी जो है ना, आप लोग ये रेसिपी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, और एवरीवन गोना लव इट लाइक इट बिकॉज़ छोटे बड़े सबको ही, अच्छा बूढ़े भी, बूढ़ों को भी पसंद होते हैं पोटैटोस। तो वेरी इजी रेसिपी है, तो इसको हम बनाएंगे। और अभी ये हैं पोटैटोस, इनको मैं बॉईल करने लगी हूँ, तो फिर मैं जब इनको बॉईल हो जाएंगे, जब मैं दूसरा प्रोसेस शुरू करूँगी, तो फिर आई विल कम बैक एंड शो यू कि कैसे बनाने हैं। तो स्टे विद मी, ओके। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज बनाने लगी हूँ पोटैटो के रोल, यानी के फिन व्हील व्हील्स। तो उसके लिए जी, ये देखिए मैंने पोटैटो मेरे बॉयल्ड हो गए हैं, और उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं वो कुछ इस तरह है से है कि ये है जी नमक, अजवाइन, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये है मिंट लीव्स यानी कि पुदीना के पत्ते, ये है ऑरिगेनो, और यह है काली मिर्च, और यह है थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। ये आप समझ लीजिए हाफ ए के जी के लिए हैं, जैसे ये हाफ टी स्पून था ये मिर्ची का, हाफ टी स्पून ये, और 1 टी स्पून ये, 1.5 टी स्पून ज़ीरा, और ये लिटिल बिट सॉल्ट, एंड जो अजवाइन है वो लिटिल बिट। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन पोटैटोस को मैं अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी ताकि कोई लम्स इसमें ना रह जाए जब हम इसको उसमें अच्छी तरह चीज़ों में मिक्स करें। ठीक है, तो मैं इनको चले, अब ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया, बिल्कुल इनमें कोई लम्स कोई कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब ये सारे जितना भी हमारे इंग्रेडिएंट है ना इसमें डाल देंगे जी, और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है कि जी मैं वो जब अपने व्हील्स में डालूँगी, पिन व्हील में, तो वो हो कोई भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करे डो को, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और ये देखिए जी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। ये देखिए, ये बस इस तरह का रेडी हो जाएगा। आज मैंने आपने पोटैटो पिनव्हील्स के लिए घर में डो रेडी नहीं की, मैं उसके लिए रेडीमेड ले आई थी, क्योंकि मैंने सोचा आज ये भी यूज़ करके देखती हूँ। मैंने नेवर यूज़ बिफोर, बट आई एम गोइंग टू यूज़ फर्स्ट टाइम। ये वो है पफ पेस्ट्री, ये फिर मैंने कहा चलो ये ले जाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि वेरी सॉफ्ट इसका वो है डो, और ईजी है टू मेक। तो ये देखें जी, तो फिर इसमें से मैंने इसका एक जो हिस्सा था वो उसको कट ऑफ कर लिया अपने नाइफ के साथ, क्योंकि मुझे उतना ही चाहिए था पोटैटो पिन रोल बनाने के लिए। तो फिर जी मैंने अब ये लेके, तो ये ऑलरेडी बहुत थिन था, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा लिटिल बिट मोर थिन करना था, तो मैंने जो मुझे चाहिए था एक इसका पीस वो मैंने ले लिया। पोटैटो का स्टफिंग बनाइए, अब हम इसको देखेंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि ये पोटैटो स्टफिंग इसके फोर जो कॉर्नर है ना सारी तरफ वहां पर अच्छे तरीके से लगे। ठीक, बस हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको चारों कोनों में इवन से इस वाले ये जो हमारे पास स्टफिंग है इसको ना हमने स्प्रेड कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको रोल करेंगे, जब हम अपने पिन व्हील बनाएंगे, तो वो जो स्टफिंग है वो एवरीवेयर उसके जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप बनाएं तो सारी स्टफिंग को इवन दो उसकी कॉर्नर्स पर भी लगा होना चाहिए। ठीक है, बस ये वेनेली देर, तो ये देखिए ये रेडी है। चलिए ये देखिए, ये सारा स्प्रेड हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको रोल कर लेंगे। ठीक है जी, अब हम इसको रोल करेंगे।
चले अब हम इसको रोल करते हैं जी, बड़े आराम से हम इसको रोल करेंगे ताकि ये टूट सकते हैं। ये देखिए जी, ठीक है। अब हम इसको बड़े आराम से इसको इसको रोल करेंगे जी। अभी इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि मैं इसको रोल कर रही हूँ, सॉरी मेरी वॉइस के लिए थोड़ी सी ठीक नहीं। तो अभी हम इसको रोल करेंगे अच्छे तरीके से। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा नेस की ये मैं काट दूंगी, ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा थिन करूंगी। चले जी, अब मैं इसके छोटे छोटे जो है ना वो व्हील कट करूंगी। फ्रेंड्स एक बात मेक श्योर कीजिएगा, जब आप ये पिन व्हील्स काटें तो इनको बहुत बिग बिग नहीं काटना। ये देखिए जैसे मैं काट रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपने इनको छोटा छोटा काटना है, ठीक है जी। देखिए इससे हमारे ये सारे जो है ना इस तरह के ये व्हील बन जाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए ये सारे इस तरह के। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमने इनको फ्राई करना है। बट बिफोर हम इसको फ्राई करने मैं बनाऊंगी जी इनके लिए एक कोटिंग। कोटिंग है जैसे वो हम बनाएंगे मैदे की फ्लावर की, लेकिन उसको स्लरी भी आप कह सकते हैं, फ्लावर स्लरी। तो ईजी वर्ड में मैं कोटिंग ही कहूँगी। तो चले, तो बस उसके लिए मुझे क्या करना था कि ये 2 जो स्पून है मैंने मैदा के ले लिए। और मेक श्योर करें कि आप जब पानी डालें तो थोड़ा कम पहले डालें ताकि उसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना लें। जब अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी तो जब आप उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसमें कोई भी वो गुठलियाँ नहीं बनेंगी, मीन्स के लम्स वगैरह नहीं उसमें होंगे, ठीक है। तो वेरी ईजी है, इसको बस ऐसे अच्छी तरह से फेंट लें। तो जब ये देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटर की तरह हो गई है तो बस ये हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसको गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब ये हमारा रेडी है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा तड़का देने के लिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाले का डाल दिया। चलो जी, ये देखिए अब मैं इसमें इसको करूँगी इस तरह डिप और हम इसमें आपको पहले एक बना के दिखाऊँगी ताकि आपको पता चले कि ये इस तरह बनेगा। इसके बाद मैंने सोचा कि यार हाथ से डालने से बेहतर है कि मैं स्पून ले लूँ, क्योंकि वाटर तो है सिर्फ। तो फिर जब मैंने स्पून लेके उसमें स्पून उसको डिप करके उस इसमें कोटिंग में, तो स्पून की मदद से उसका ड्रेन करके सारा वाटर, तो उसको इस तरह मैं डालती गई। ये जब आप डालते हैं तो लगता है कि शायद इसके वो छोटे छोटे जैसे पकौड़े बनाए तो वो छोटे छोटे से अंदर बिट्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए ऑयल बिल्कुल क्लियर है। तो बस ये इसी तरह हम जी बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना ये रेडी हो गए हैं। तो अब मैं जब निकालती हूँ तो आई विल शो यू लुक, देयर लुक सो ब्यूटीफुल। तो देखो फ्रेंड्स, इन मिनट्स में हमारे यमी और खस्ता किस्म के पिंस विल रेडी हो गए हैं। इफ्तार के लिए वेरी गुड रेसिपी है, तो प्लीज़ ट्राई इट। चले अभी शैली आपको एक खा के दिखाएगी। चले जी शैली, अब खाने लगी, चलो। हाँ। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, ये देखिए बिल्कुल और बहुत क्रिस्पी भी बनी है। चलो खाओ, नाइस। देखिए जी बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी रेसिपी, और प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये देखिए जी अभी ट्विंकल भी इसको ट्राई करेगी। कौन ट्विंकल? ये देखिए जी ट्विंकल भी आप ट्राई करेगी। ओ उसको हॉट लग गया, हॉट। चलो जी क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी है। चले उसको भी क्रिस्पी लग गई। चले चले जी उसको भी पसंद आ गई। तो चले चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, फिर आऊंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।